हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्पोर्ट गुरु जी में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच है फ्रेंड्स 11वां मैच वुमेन बिग बेस्ट लीग का, जो कि पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में कल सुबह 8:40 पर ब्रिस्बेन के वेन्यू पर खेला जाएगा। अभी तक फ्रेंड्स या 2018 में भी इस वेन्यू पर एक भी मुकाबला हुआ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ स्टैट्स नहीं है इस वेन्यू के बारे में, लेकिन अगर कुछ भी हमें पता चलता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पर जाइए, रॉयल स्पोर्ट ग्रुप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर हमारा चैनल दिख जाए फ्रेंड्स, आप वहाँ से भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रेंड्स इन दोनों ही टीमों का पिछला मुकाबला देखोगे तो ब्रिस्बेन हीट अपना जो पिछला मैच सिडनी थंडर से हार कर आया है 7 विकेटों से, जहाँ पर जोनासेन के 42 एक विकेट, बेथ मूनी के 35, जी हैरिस ने 6 और 1 विकेट निकाले थे। वहीं अगर आप यहाँ से पर्थ स्कॉचर का पिछला मैच देखोगे, पर्थ स्कॉचर ने अपना जो पिछला मैच है मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ खेला था, जहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड्स ने पर्थ स्कॉचर को 4 विकेटों से राहत दिया था, जिसमें एमी जोन्स के 44 थे, स्काइवर के 55 नाबाद थे, बोल्टन के 11 और 1 विकेट थे, बार्सबी और क्लियरली ने 2-2 विकेट निकाले थे। ये कुछ प्लेयर फ्रेंड दोनों ही टीमों की तरफ से जिन्होंने अपने पिछले मैच में अच्छा किया हुआ है। अगर आप यहां से इन दोनों ही टीमों का हेड टू एनकाउंटर देखोगे, जो कि पिछले सीजन खेला गया था, वहां पर से फ्रेंड्स ब्रिस्बेन हीट ने पर्थ स्कॉचर को 5 विकेट से राहत दिया था, जिसमें लेनिंग के 70 थे, ग्राहम के 5 और 1 विकेट, बोल्टन के 2 विकेट, इमा किंग के 1 विकेट, वहीं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बेथ मूनी के 35, जी हैरिस 27 और बार्सबी ने 1 विकेट निकाले थे। वहीं अगर आप एक और हैट्रिक मुकाबला देखोगे पिछले सीजन का, वहां पर फिर से ब्रिस्बेन हीट ने पर्थ स्कॉचर को 7 विकेटों से हरा दिया था फ्रेंड्स, और इस वाला मैच भी ज़्यादा जो चांसेस है जीतने का वो ब्रिस्बेन हीट का ही है। तो अगर आप टीम फॉर्मेट करोगे तो ब्रिस्बेन हीट के फेवर में फॉर्मेट कीजिएगा। इस वाले मैच में पेस्कल के 1 विकेट था पर्थ स्कॉचर की तरफ से, वहीं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बेथ मूनी के 25, जोनासन के 28 नाबाद और 2 विकेट, जॉनसन के 2 विकेट और किमिंस ने 2 विकेट निकाले थे। ये कुछ प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ पर जो लगातार आपको कुछ अच्छा करते दिखाई देने वाले, बेथ मूनी आप बिल्कुल ही आज की इस मैच में इनको ड्रॉप मत कीजिए, काफ़ी से बैट्समैन है और आपको आज की इस मैच में काफ़ी अच्छा पॉइंट अर्न करके देने वाली हैं। वहीं अगर आप हमारा 5-स्टार प्लेयर देखोगे तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आपको बेथ मूनी, जी हैरिस, जोनासन, जॉनसन, एलेक्स अयास खेर मिल जाएंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पर स्कॉचर की तरफ से लेनिंग है, जॉन्स हैं, बर्सबी है, ग्राहम और स्काइवर हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन 10 में से करीब 9 प्लेयर आज की इस मैच में आपकी स्मॉल लीग की टीम में जरूर हो, आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाली है। अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पॉसिबल 11 देखोगे तो पर्थ स्कॉचर ने अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया गया, सेम स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है, जो प्लेयर फर्स्ट मैच में खेल रहे थे वही प्लेयर इस वाले मैच में भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें लेनिंग और एमी जोन्स आपको ओपन करते दिखाई देने वाले हैं, बाकी बोल्टन है, स्कैवर है, किम गर्त है, रेजमी है, ग्राहम है, बार्सबी है, क्लियरली है, पेस्कल है और हिमा किंग है। मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं होगा फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। वहीं ब्रिस्बेन हीट ने अभी तक जो है अपने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से सेम 11 के साथ जाना चाहेगी, जैसा कि पिछले मैच में इन्होंने उतारा था, उसमें बेथ मूनी और के साउट आपको ओपन करते दिखाई देने वाले हैं, बाकी जे हैरिस हैं, जोनासन हैं, एम ग्रीन हैं, हिंकली हैं, एल हैरिस हैं, खेर हैं, किमिंस हैं, जॉनसन और प्रेस्टीज हैं। मेरे हिसाब से यही पॉसिबिलिटी रहने वाला है ब्रिस्बेन हीट के तरफ से। अगर आप इस वाले मैच में स्मॉल लीग में किसी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इन्हीं 4 में से किसी 2 के साथ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं 4 में से कोई 2 को सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसमें पर्थ स्कॉचर की तरफ से एन स्कैवर हैं, एमी जोन्स हैं, वहीं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से फ्रेंड्स बेथ मूनी है और एस जोनासन हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं 4 में से कोई 2 आपका भी इस वाले मैच के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन हो। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं 6 टीम के साथ तो आप इन प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग की टीम में शामिल करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, हो सके तो 1 से 2 प्लेयर को अपने किसी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना दीजिएगा, जिसमें पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से बोल्टन है जो बैट और बॉल दोनों के साथ आपको अच्छा करके देने वाली है, लेनिंग है जो काफ़ी अच्छे बैट्समैन, हालांकि पिछले मैच में सस्ते में आउट हो गई थी, ग्राहम है जो बैट और बॉल ये भी आपको अच्छा करके देने वाली है, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से फ्रेंड्स किमिंस हैं, जॉनसन जो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं
और मुझे ग्रीन है अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो ये आपके लिए अच्छे पिक रहने वाली हैं। आप चाहें तो इन प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग की टीम में शामिल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्या हो सकती है हमारी ड्रीम11 की टीम, और जो टीम हमारा ड्रीम11 में रहेगा वही टीम हमारा माई फैब11 पर भी रहने वाला है। अगर आप माई फैब11 खेलते हैं तो आप इसी टीम के साथ यहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो आपके पास यहाँ से तीनों अच्छे ऑप्शन हैं, जिसमें बेथ मुनी को मैंने पिक किया हुआ जो कि ओपनिंग करने वाले हैं ब्रिस्बेन हिट की तरफ से। आप यहाँ से एमी जोन के साथ भी स्मॉल लीग में जा सकते हैं, ये भी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर्थ स्कॉचर की तरफ से काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं दोनों ही, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी मैंने यहाँ से बेथ मुनी को पिक किया हुआ है। अगर आप यहाँ से ग्रैंड लीग में रेजमे को ट्राई करना चाहते हैं आप इनके साथ जा सकते हैं, ये आपको लगभग 6 नंबर पर्थ स्कॉचर की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाली हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने तीन बैट्समैन को पिक किया हुआ है, मैंने यहाँ से पिक किया एन बोल्टन को जो कि आपको 4 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाली है, साथ ही अपने कोटे का पूरे पूरे 4 ओवर भी आपको बॉलिंग करके दे देंगे। मैंने यहाँ से पिक किया मैजिक ग्रीन को जो बैट के साथ और काफ़ी अच्छे टच में है, ये आपको लोग 5 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। और फ्रेंड्स हिंकली को मैंने पिक किया क्रेज मेंटेन करने के लिए, आपको लगभग 6 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाली है ब्रिस्बेन हीट की टीम की तरफ से। अगर आप यहाँ से किसी और को पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेनी के साथ जा सकते हैं इस वाले मैच में, जो कि आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाली हैं पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से। आप फ्रेंड्स यहाँ से एल हैरिस के साथ भी जा सकते हैं जो कि ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आपको लगभग 7 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाली हैं। आप यहाँ से ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते के शॉट को ट्राई कर सकते हैं जो कि 4 नंबर पर खेलेंगे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। बाकी फ्रेंड्स आपके पास उतने से पिक नहीं हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 4 ऑलराउंडर को पिक किया हुआ है, मैंने यहाँ पिक किया स्कैवर को जो वन डाउन आएंगे, हालांकि पिछले मैच में एक भी ओवर इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया था और मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि इस वाले मैच में इनको एक भी ओवर बॉलिंग करने को नहीं मिलेगा। बाकी जी हैरिस हैं जो कि फ्रेंड्स आप ब्रिस्बेन हीट की तरफ से वन डाउन खेलते हुए दिखाई देने वाली हैं और अपने कोटे का पूरे पूरे 4 ओवर आप बॉलिंग करके भी दे देंगे। मैंने यहाँ पिक किया जोना शेन को जो कि ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आपको लगभग 4 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाली हैं और अपने कोटे का ये भी आपको पूरे पूरे 4 ओवर बॉलिंग करके दे देंगे। के गर्त हैं जो कि फ्रेंड्स बैटिंग में तो काफ़ी नीचे आएंगे लेकिन बॉल के साथ काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, आपको लगातार विकेटें निकाल कर दे सकती हैं। अगर आप यहाँ से ग्राहम या जॉनसन के साथ जाना चाहते हैं तो आप सियोर इनके साथ जा सकते हैं, दोनों ही ऑलराउंडर आपको इस वाला मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, बाकी स्मॉल लीग में आप लोग इनको पिक मत कीजिएगा। बॉलिंग से मैंने 3 बॉलरों को पिक किया हुआ है, मैंने यहाँ पिक किया खेर को जो लगातार विकेटें निकाल रहे हैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, बारिश भी जिन्होंने पिछले मैच 2 विकेटें निकाली थी पर्थ स्कॉचर की तरफ से। मैंने यहाँ पिक किया क्लियरी को जो 2 विकेटें निकाली थी इन्होंने भी पर्थ स्कॉचर की तरफ से पिछले मैच में। वहीं अगर आप फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो आपके पास यहाँ शानदार ऑप्शन डेक्के मींस का, आप इनके साथ जा सकते हैं। बाकी नीचे से फ्रेंड्स आपके पास तो उतने से पिक नहीं है स्मॉल लीग के लिए। बाकी आप चाहें तो ग्रैंड लीग में यहाँ से इमा किंग या प्रिस्टिज के साथ जा सकते हैं। इमा किंग की बात करें इनको पिछले मैच में एक ही ओवर बॉलिंग कराया गया था फ्रेंड, इसलिए मैंने इनको पिक नहीं किया है। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हमारा फाइनल टीम देखोगे तो हमारा फाइनल टीम में जिसमें बेथ मुनी है, बोल्टन है, ग्रीन है, हिंकली है, स्कैवर है, केश गर्त है, जी हैरिस हैं, जुनाशेन है, केयर हैं, क्लियरली हैं और बार्स भी हैं। मेरी से यही मेरा फाइनल टीम रहने वाला, बाकी आप चाहें तो एक आधा चेंजेस कर सकते हैं। बाकी हमारे जो कैप्टन वाइस कैप्टन है आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर अपडेट करा देंगे और हमने अपना चॉइस आपको हमारे इस वीडियो में बता ही चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ड्रीम11 टीम के साथ में।